गाइस नमस्कार, मैं हूं रौनित, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द बॉम कनेक्शन पर। मैं फाइनली बीबी की वाइंस ढिंडोरा के पहले एपिसोड पे रिएक्ट करने वाला हूं। आप लोगों ने बहुत दिनों से कहा है कि प्लीज ढिंडोरा के एपिसोड्स पे रिएक्ट करो, एंड ट्रस्ट मी, मैं बहुत तहे दिल से करना चाहता था लेकिन करने का मौका नहीं मिल रहा था। आज फाइनली मुझे मौका मिला है, तो आई एम गोइंग टू डू इट। दिस इज एपिसोड 1, लग गई, लेट्स जस्ट जंप राइट इनटू इट। आई कैन नॉट वेट टू वॉच दिस with you guys in 3, 2, 1 and go. This is a special show. करोड़ से भी ज्यादा आबादी वाला हमारा देश, जहां भिन्न भिन्न प्रकार के लोग बसते हैं, हर घर में ख्वाब बुने जाते हैं, जीने के अलग तरीके चुने जाते हैं। यहां प्यार है, तकरार है, लेकिन आपस में मिलजुल कर रहना बरकरार है। कुछ भाषाएं ऐसी मानो जुबां में मिश्री घुली हो। ऐसा ही शहर जहां का स्वभाव और जुबान जैसे गुड़ के पकौड़े। ओए बहन के लौंडे, पापा मैं सीधा डिनर पे आऊंगा। अरे टिंडे बना रखे तेरी माँ ने, छोड़ो फिर कल ही आता हूँ। आज तो आउट है। ओह आई मिस दोस डेज, और बचपन के वो दिन बहुत याद आते हैं ये सब देख के। अरे रात में किस तरह से बढ़िया है, काम पे किस तरह करो सालो। अबे ऊपर से चीचू चीचू की आवाज क्या रही है। गॉड दिस वाज द बेस्ट आई एवर हैड। काफ मैं भी यही बोल पाता। Okay. तुम्हें आज तक सच्चा प्यार नहीं हुआ ना? प्यार बवासीर की तरह होता है, एक बार होता है लेकिन दर्द बहुत देता है। कुछ वाइब्रेट हो रहा है ना? मैंने तुम्हें मना किया था ना, निकालो निकालो। तुम्हारा फोन बज रहा है। इसके दिमाग में इसके अलावा कुछ रहता नहीं है। हेलो क्या? कुछ घंटे पहले उस मासूम को भनक तक नहीं थी कि सारी सारी रात जगाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। What? दिल तो पागल है वो लोग जो कैफे में जाके महंगी वाली कॉफी पीते हैं। ये है घरेलू तरीका पानी वाली कोल्ड कॉफी बनाने का। मैकडोनाल्ड वाले हमसे ही तो सीख के गए, एफकेसी वाले क्रशर के नाम पे बर्फ चढ़वाते हैं। क्या बहुत लेट हो गया यार आज। Yeah, this is so cool. सारी फैमिली एकदम डिफरेंट अवतार में देखने को मिल रहे हैं। अब हम बनाएंगे सुशी। ओके। ये जापान की सबसे पसंदीदा फीकी चीजों में से एक है। दिखने में टिश्यू पेपर जैसा और स्वाद में गीले टिश्यू पेपर जैसा। इसमें चीज, पाइनएप्पल, एवोकाडो बिल्कुल मत डालिएगा, टेस्टी बन जाएगा। अरे लेट हो गया, नाश्ता लगा दो। ये हमारे जैसी। ओए तेरे को कॉलेज नहीं जाना? अभी टाइम है बेटा। पहले मैं भी यही कहता था, फिर एक दिन अचानक स्कूल से कॉलेज आ गया और फिर तू आ गया। वो अखबार दे जा। क्या कर रहे हो बाबा, तांत्रिक हो गया? मेरे सारे बाल खराब कर दिए आपने। तू कॉलेज पढ़ने जाता है या फैशन करने जाता है? बच्चे फिदा हैं इन बालों पे। बहुत कंप्लेंट आ रही है तेरी कॉलेज से, टीचर बोल रहे हैं ये कौन लड़की है जो बॉयज टॉयलेट में खड़ी होके हल्के हो रही है। अरे नाश्ता कहाँ गया यार? अरे वाह पोहा हैं? अब सवाल ये उठता है कि किसी ने अंडे बनाते वक्त उसमें कुछ मिला दिया था। फिर से पोहा। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या है? अनूप सॉरी। अच्छा अरे नहीं बेटा, हमारा वो मतलब नहीं था। नहीं ठीक है ले, समझ गया। मूंगफली ले ले। इस घर में अंडा क्यों नहीं बनता? आप लोग रोज रोज पोहा कैसे खा लेते हो यार? बेटा बाहर जाकर देख, लोगों को पोहा तक नसीब नहीं होता। ओह माय गॉड, बहुत खुश नसीब है मुझे पापा। तू पोहे के पीछे के इमोशन को समझ। रिलेटेबल डायलॉग। हमें इमोशन की नहीं, प्रमोशन की जरूरत है।
क्या बोला ये? Indirectly. आप ठंड रखो, ये मेरे दफ्तर की बातें ना करे तो बेहतर होगा। पहले अपने गिरेबान में झांक ले, उसने टी शर्ट पहनी है। बड़ा आया हीरो बनने, जीरो है जीरो। ठंड रखो ना। जिस दिन मैं बड़ा सिंगर बन गया ना, सिर्फ ऑमलेट खाऊंगा, ऑमलेट। अरे मनोज तिवारी है क्या? आप ठंड रखो। बर्फ चबा लूं? बोलो चबा लूं। This is so cool. शर्मा जी, कब से बेंच लगवाने को कहा है नगर निगम पार्षद साहब को, हमारे तो कोई सुनता ही नहीं है। अपना बचपन याद है ना, कैसे खेला कूदा करते थे। आजकल के बच्चे मोबाइल पे लगे रहते हैं। शर्मा जी, अब पार्क में झूले नहीं लगेंगे तो लड़के खेलेंगे कहाँ, आपके झूले पे। बेंचे लगवानी इनको, पैसे मांगने तो मेरे घर ही आ जाएंगे। अरे बाप रे, बस का इंतजार किया तो लेट हो जाऊंगा, रिक्शा पकड़ लेता हूँ आज। अरे रिक्शा, दरियागंज जाएगा क्या? दौले को आ जाऊंगा। क्यों भाई, काम करने निकला, सैर करने निकला है? पीछे बैठ जा, मैं चला लेता हूँ। अबे इसको जाना है। इन्हें ले जाओ आप। चल ले यार, आधे आधे कर लियो। सांड ओके। रफ्तार। जानते हो क्या एक दूसरे को? नहीं। यूं वो शक्ल सेम लग रही थी और जान पहचान भी लग रही है। मेरी माँ का पति है, तू आगे देख के चला ना। बेटा किस टाइप की सिंगरिंग करता है तू? सिंगरिंग? ब्लूज, अकोस्टिक, सेमी क्लासिकल। बेटा इस टाइप की सिंगरिंग में ना सिर्फ दुआएं मिलती हैं, दौलत नहीं मिलती। वो कराकर वो आजकल बड़ा फैशन में चल रहा है रैप, है? क्या बनाते हैं वो, पिस ट्रैक, डिस ट्रैक। भैया मैं भी लिखता हूँ रैप। अच्छा, तो रस्ते पे ध्यान देना यार। नहीं बेटा, अगर हुनर है तो प्रोत्साहन बिल्कुल देना चाहिए। आप सिंगरिंग वाले शो में जाइए ना, है इनके पास तो दुखद स्टोरी भी है, खुद रिक्शा चलाते हैं। नेहा जी पक्का रो देगी। तो सुनाओ कुछ। राशिद, इरशाद, राशिद। पेड़ पे अंगूर, अंगूर पे लंगूर, लंगूर की गाल लाल है, दिल्ली का हाल बेहाल है, धुआं है या कोहरा, पता नहीं बैंक का लौड़ा, जाने किसकी चाल है, दिल्ली का हाल बेहाल है। जीवी 64। अरे राइट से लो यार, लेफ्ट से ले लो। राइट से लो पापा, मैं लेट हो जाऊंगा। लेफ्ट से ले ओए। तो मैं भी लेट हूँ बेटा, राइट से लो। अरे मेरा गार्ड मुझे अंदर घुसने नहीं देगा पापा। लेफ्ट ले ओए। राइट से लो यार। लेफ्ट ले रहा कि नहीं? बेटा धमका मत उसको, तू राइट से ले ना। हां हां, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। अरे क्या हो गया? क्या भाई साहब, कहां जा रहे भाई साहब? चल यार। अरे ये कौन चलेगा? चलो। अरे सीखा कभी आप क्यों बैठे रिक्शा में? पहले उनका गाना था, फिर उनके गाने पे गलत कमेंट करना, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, दिल से बुरा लगता है भाई। ओके, यू हैव गॉट 40 सेकंड्स, थैंक यू। तो कहाँ पे देखा है मैंने? भाई कुछ ऐसा सुना दे जिससे इनकी गान फट जाए। या गान के नीचे बम रख दूँ? बबलू जी, बबलू जी, लगता है आपका अच्छा टाइम शुरू हो गया है। क्यों, क्या हुआ? बॉस ने आपको बुलाया है। हैं? क्यों? पता नहीं, लेकिन खुश लग रहे हैं। अच्छा, सैलरी बढ़ाएंगे क्या? मुझे क्या पता, लेकिन मेरे सामने दो लोगों को रेमुनरेशन दिया है। क्या रानू मंडल? क्या सैलरी? किसकी? ओबराय साहब और मलिक साहब की।
अच्छा वैसे उनको जरूरत है नहीं है? ओबरा और मलिक तो अमीरों के ही नाम होते नहीं। अरे सिंगारिया इधर आइयो। आया सर। तो आज ये मेरा पहला दिन है कॉलेज में। अब मुझे ये कौन बताएगा कि ये क्या है? अरे ये तुम लोगों से बात करना ही बेकार है। मैं तुम्हें चुप आओ आओ कुत्ते की तरह पूरे कॉलेज का चक्कर काट के अब वक्त मिल रहा है तुम्हें आने का। अरे जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो कॉलेज में पहुंचने वाला सबसे पहले मैं ही था। सर क्योंकि आपके पिताजी पीयून थे ना तो आपका तो कॉलेज जल्दी आना बनता था गेट खोलने के लिए। चुप करो। म्यूजिक क्लास बैंड सब जगह से तो रिजेक्ट हो चुके हो। नहीं नहीं सर मेरे गिटार में बैटरी नहीं थी और वैसे भी जब मैं गाता हूँ सब रो देते हैं। इतना बुरा गाते क्यों फिर? होमवर्क किया? किया था सर कॉपी लाना भूल गया। बैग के अंदर कॉपी नहीं गिटार के अंदर बैटरी नहीं खुद के अंदर बची कुची कुछ शर्म है या वो भी बेच खाई? उठाओ 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 इधर दो ये हराम जादे बात करो। हाँ भाई किधर है वो हॉटी टुन्नी वाला? उस दिन कह रहे थे लटकने से हाइट बढ़ती है। अबे लटकने से हाइट बढ़ती तो मेरा नुन्नू जमीन पे रेंग रहा होता। वो कहाँ तुम दोनों? भाई समीर की दादी चल बसी। क्या बात कर रहे? हाँ 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 गई मेरी दादी उन्हीं के बगल में ही खड़ा हूँ। ये तुम्हारी दादी है? हाँ दादी काफी हट्टी कट्टी दिख रही है। नहीं नहीं पेट के बल लिटाया कुबड़ी थी। क्या भाई जल्दी आ जाओ दादी को कॉल दो मैं। हाँ हाँ जाओ एक काम करो मैं भी चलता हूँ चार कंधे हो जाएंगे। नहीं 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 दादी होतियों से दूर रहती थी। जाओ चल। अब ये बताओ व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट? ठंडा कहाँ है यार फिर से रिजेक्ट हो गया। आज तो दबा के पीऊंगा पिला दो प्लीज। आजा आजा मीठा पिएगा तीखा पिएगा? गोलगप्पे वाले के यही डिसाइड करेंगे ना जल्दी आ जाओ। मैं भी दादी को निपटा के आता हूँ। अबे तेरा तो अलग ही है। ओह माय गॉड आइए। आए हाय बहुत दिन बाद आए भाई। अरे रोज कह रहने दीजिए आप आइए। यो बैठ बात। बबलू जी आपको पता है मैं यहाँ मीटिंग क्यों करता हूँ? जी नहीं। बहुत साल काम करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ मैं काम की जगह हक दिया करता था पर यहाँ बैठे बैठे मुझे आए हाय हाय कमाल कमाल के आइडिया आते हैं इसलिए मैंने दोनों चीज़ों की जगह एक्सचेंज कर दी। ये मैं आपके लिए लाया हूँ घर से स्पेशल बनवा के। वाह साहब हाथ तो धो लेते सर। माय गॉड बबलू जी प्रमोशन के बाद ना ये सब मत खाना। अरे क्या कबूतर की तरह गर्दन इधर उधर हिला रहे हो गर्दन लचक के टूट जाएगी फिर उठा नहीं पाओगे। बबलू जी मैनेजर बना रहे हैं आपको। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा सर दिस इज लाइक ड्रीम कम ट्रूथ। हाँ बहुत पहले लेटर लिखा था इसी दिन के लिए मेरा जो बेटा है उसके दोस्त ने लिखने में मदद करी। इजाजत हो तो डोंट रीड इट। डियर बॉस
cannot thank you enough for giving me this upar chutney. I will give my heart, my soul, and my hairy ass for this company. My heart is beating as fast as I beat my prick during No Nut November. I beat my prick during No Nut November. Big respect to your wife for marrying a ball sack like you. वरना आज के जमाने में बातें जैसे कोयल, दीज बिचेस एंट लॉयल. बबलू जी, बहुत मजा आएगा आपको, बस हमने आपकी सैलरी कम कर दी. What? है जी, क्यों? है, सीनियर का काम ही क्या है? दीपावली में रंगोली बना लेना, दिन में एक समोसा, एक कोल्ड ड्रिंक्स फ्री, जूनियर लड़कियों के सर में हाथ फेर दिया, वेल डन बोल दिया. है? ये कैसा प्रमोशन है? मैनेजर बना के सैलरी कमा दी. करनी है क्या? टट्टी नहीं, हम कर लें. हाँ जी, हाँ जी, करिए. तो जाओ फिर जी. अरे बाप रे. Oh God. कौन था मंगोलिया उस कैरेक्टर का नाम? ये समाज तुझे कुछ नहीं देगा. पैसे कमाने के लिए लोग नौकरी करते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, प्रेस का बेलाकन बोलते हैं, इतनी मेहनत नहीं. ये अंगूठी तुझे घर बैठे बैठे बना देगी करोड़पति. अरे हाँ, क्या दिखा रही है? सच बोल रहा हूँ. हाँ तू, इस अंगूठी से सारे सपने पूरे हो जाते हैं, गंदे के सर पे बाल आ जाते हैं, फिल्म सितारों की फिल्में हिट हो जाती है, गुप्त रोग ठीक हो जाता है. अरे सोच क्या रही है? फोन उठा, उठा फोन. अरे यहाँ वहाँ मेरी दादी क्यों है? मेरी दादी बिल्कुल ऐसे बिहेव करती है. शाबाश, शाबाश. हमें इमोशन की नहीं, प्रमोशन की जरूरत. बबलू जी, बहुत मजा आएगा आपको, बस हमने आपकी सैलरी कम कर दी. है, सीनियर का काम क्या है? दीपावली में रंगोली बना लेना, दिन में एक समोसा, एक कोल्ड ड्रिंक्स फ्री, जूनियर लड़कियों के सर में हाथ फेर दिया, वेल डन बोल दिया. करनी है, करनी है, करनी है. टट्टी, टट्टी, टट्टी. How does he remember that? क्या कमाल है ना जिंदगी. मादर चोद है. ए, गाली देता है. अरे साहब, अपने पास जो है वही तो दूंगा ना. चाचा अपना काम कर. अरे साहब, मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ. आपके पास कोई काम नहीं तो मेरे बगल में आके बैठ जाओ, नहीं तो ये लॉटरी का टिकट आजमा लो. आजमा ली, फूटी किस्मत है मेरी. अरे साहब, क्या चिंदी चोरी कर रहे हो आप? अच्छा सुनो ना, ले लो यार. अरे तू मेरा दिमाग मत खराब कर यार, जाए यहाँ से. ये ले लोगे तो मेरा खाने का हो जाएगा. कितने की है? 500 रुपये. एक तो सैलरी वैसी आधी हो गई, ऊपर से इसको 50. ये ले. Oh God, this is so me. वाह. अच्छा. साहब, वो नंबर लिखा है, मिला लेना. चलो. ये हैबिट मेरी भी है, you know. 019422.
That's him. बहुत महंगी है। अरे कहाँ बेटा, ज्यादा कहाँ मांग रहा हूँ। पर 1100 नहीं है मेरे पास। नहीं नहीं बेटा, होंगे अंदर, देखो आटे के डब्बे में जरूर मिलेंगे। अगर इतने पैसे होते तो अंगूठी की जरूरत ही क्या थी। ऊपर वाले से नहीं, कम से कम मुझसे तो डर। दो मिनट रुको। अब तो ये अंगूठी जरूर बाबाओं से भरोसा ही उठ गया। ए तो फ्रंटल बना दर आगे। हाँ तो लिखिए, गुप्त रोग का पहला फायदा है कि वो गुप्त है। अब तो तोता मेरा सब उड़ जाएंगे। जाओ। क्यों? जाओ। अरे हुआ क्या? मेरा सोफा। अरे सोफा हुआ क्या? ये तो बता हुआ क्या? बता दो हुआ क्या? ध्यान से सुनो, किसी को बताना मत। ये क्या बोल रही है? कुछ ससुराल नहीं। चलो यहाँ से, चलो चलो। अरे पैसा तो दे। ये लो, ये 1200 रुपए ले लो। 1200 नहीं, 1400। ये 200 और ले लो। हाँ। आपके मटर छीलोगे? थैंक यू। इट वर्क्स डूड। हमला नगर दे बरगरवे में, हमला नगर दे बरगरवे में खानिया। मेट्रो लेके फिर शहर नू, शहर नू, शहर नू जानिया। ओ कल जो था खच्चर बन गया घोड़ा, देखो देखो दौड़ा भगम भगोड़ा। दुनिया में प्राप्त चढ़िया चढ़ा, बस्तार पे टंगना गर्मी विच सुखना। ढिंडोरा ढिंडोरा ढिंडोरा। अरे वाह क्या गाना है। That was phenomenal. I loved it. पहला एपिसोड was so good. पहली बात तो जिस तरीके से मैंने कभी सोचा नहीं था, ये जो कैरेक्टर्स जो हमेशा सिर्फ फोन के पीछे दिखते थे, पूरा भी नजर नहीं आते थे, वो कैसे इन सारे कैरेक्टर्स को एक साथ ला के उनको यू नो एक सेटिंग पे बिठा के कैसा लगेगा दिखने में। फर्स्ट ऑफ ऑल कुडोज टू बुमन भाम, क्योंकि वो सारे कैरेक्टर प्ले कर रहा है और इस अमेजिंग तरीके से कैमरा का काम किया है। इट डजंट फील लाइक इट्स ओनली वन गाय, इट्स डिफरेंट कैरेक्टर्स, दे जस्ट लुक द सेम, दे ऑल हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज, और वो इतने बखूबी से निभाते हैं। अभी तक मैंने जब जो सिर्फ हम लोग सिर्फ यू नो फोन के पीछे से देखते थे और हमको लगता है वाओ ही सो गुड एंड ऑल, और वो भी कटिंग के साथ, ऐसा नहीं कि दो कैरेक्टर एक ही फ्रेम में थे, यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स एक ही फ्रेम में हैं एंड दे हैव डन सच अ स्टुपेंडस जॉब। कुडोस टू द मेकर्स, कुडोस टू द टीम एंड कुडोस टू भुवन बाम, ही इज जस्ट अमेजिंग। आई लव द फर्स्ट एपिसोड, आई कैन नॉट वेट टू वॉच द सेकेंड वन। पहले एपिसोड में जो जम के पंच लाइन्स मारे हैं यार, दिस होल सेटिंग इज सो गुड, सो गुड। एंड देयर वर सीन्स वी वर सो सो रिलेटेबल, लाइक बहुत सारी सीन्स थे। ये इसी वजह से मुझे बीबी की सारी वीडियोज इतनी पसंद आती, क्योंकि कुछ ना कुछ रिलेटेबल होता है उसमें, ठीक है। एंड आई कैन नॉट वेट टू वॉच टीटू मामा एंड समीर फुद्दी कमिंग टूगेदर इन वन सीन। आई मीन they are just my favorite characters, but I loved mummy aur papa ka jo character yahan pe play kiya hai, they are just amazing. I cannot wait for the second episode. Aap logo ko main dobara milunga dusre episode ke sath. आशा करता हूँ आप लोगों ने मेरा ये रिएक्शन भी एंजॉय किया होगा और ये एपिसोड भी। अगर एंजॉय किया है तो जल्दी से लाइक कीजिए, नीचे कमेंट डालना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, हेल्प कीजिए मुझे तो टीके सब्सक्राइब पहुंचने में। आप लोगों को मैं दोबारा मिलूंगा, तब तक के लिए चाओ।